तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ चावल के आटे से बने हुए पिट्ठे, जो बहुत ही आसान है तरीके से बनाए। मैंने चने दाल से बनाया है, तो ये बहुत तरह से बनता है। ये मीठा वाला भी बनता है, खोए वाला भी बनता है, बहुत तरह का बनता है, लेकिन मैंने चावल और चने दाल का बनाया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दे। और आप देख सकते हैं अंदर की स्टफिंग बहुत ही अच्छी है, प्यारी लग रही है और एकदम खाने में टेस्टी लगेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चने की दाल के आज पिठा बना रही हूँ चावल से। उसके लिए मैंने एक गिलास पानी गर्म करने के लिए रख दिया और 200 ग्राम चावल की आटा। अब पानी खोलने के बाद मैं आटा डालकर उसमें सानूंगी। तब तक मैं चने की दाल को सूखा मैंने छान लिया, धोकर रात में भिगो दिया था। ऐसे भी 4 घंटे के बाद ये दाल फूल जाती है अच्छी सी। और हरी मिर्च और लहसुन इसमें डाल के मिक्सी में तब तक मैं पीस लूंगी। ये देखिए, ये दाल मैंने दरदरा पीस लिया। ज्यादा मेही नहीं करने का, ज्यादा मेही होने से आपको डालने में स्टफिंग खराब होती है। थोड़ी सी हल्दी 1/4 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार 1/2 चम्मच, थोड़ी सी लाल मिर्च स्वाद अनुसार, आपको जैसा तीखा खाने का हो वैसे ही खाएं बनाएं। और इसे सब मिक्स कर लें। तब तक पानी गर्म हो रहा है मेरा, तब तक स्टफिंग मैंने तैयार कर लिया। पानी देखिए मेरा खोल गया है। अब इसे गैस को बंद कर देती हूँ और धीरे धीरे आटा इसमें लेकर अब मिलाऊंगी। देखिए अभी आटा गर्म है, थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको मैं अच्छे से मसल के तैयार करूंगी। अभी बहुत गर्म है इसलिए ना छुए, अगर ज्यादा पानी हो गया तो टेंशन ना लेने का। ज्यादा पानी हो जाता है कभी कभी, तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा आटा और मिला दीजिए। और कम पानी हो गया हमारा, 200 ग्राम था तो मैंने 400 पानी इसमें डाला था। अगर ज्यादा पानी हो गया तो और आटा मिला दे, कम हो गया तो और आटा मिला दे उसमें। देखिए मैंने मसल के आटा को एकदम प्लेन कर दिया, लेकिन फिर भी इसको 10 मिनट के लिए मैं ढक के रख दूंगी, तब सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं इसमें पिठा बनाती हूँ। ये देखिए 20 मिनट हो गया, अब आटा एकदम परफेक्ट बन गया है। अब इसको थोड़ा सा और मसल ले और ये जितना चिकना इसको बना ले उतना ही अच्छा मेरा सॉफ्ट पिठा बनेगा। अब इसे हम गोल गोल, जैसा भी छोटा या बड़ा आपको जैसा इच्छा हो, इसे हम थोड़ा बड़ा बड़ा नींबू की तरह किया है। और इसे दाल को लेकर, चने के दाल को जो मैंने पीस लिया था उसे अच्छे से भर के, ये देखिए आराम से इसको दबाइए। ये कितना सुंदर बना हुआ है, परफेक्ट। अगर फट भी जाए तो उसके लिए टेंशन नहीं, फटेगा ही नहीं। जरा सा ये टेढ़ा मेढ़ा होता है तो इसको सेव कर लीजिए ऐसे। ये देखिए परफेक्ट बना, ऐसे मैं सारे पिठा बना लेती हूँ। अब दूसरा लोई ऐसे गोल लेना है
भी आराम से गोल बनाए। अब इसमें टेस्ट डालिए आराम। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट और अच्छा बनती है। ये देखिए एकदम परफेक्ट ऐसे बनेगा। सारी पिठा को मैं बना लेती हूँ। देखिए अब इसको गोल भी बना सकते हो। देखिए इसको अच्छे से इसको दबाकर उंगली के सहारे से देखिए ये कढ़ाई में मैंने पानी चढ़ा दी हूँ, रख दिया, और ये पानी में छन्नी रख दिया या जाली वाला कोई भी सामान रख दीजिए। देखिए ये बैठ गया और सारी पिठा मेरी रेडी हो गया है। अब मैं गोल या लंबा जैसा भी आपके पास है, देखिए सबको मैंने अच्छे से रख दूंगी। देखिए मैंने सारी पीठा रख दिया, अब इसे ढक देती हूँ। ये 15 से 20 मिनट मैंने इसको ढक के रख दिया। देखिए ये देखिए अब तैयार हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया। ये देखिए ये काटा में भी जरा सा भी नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब रेडी हो गया है। अब इसे गैस बंद कर देती हूँ। अब ये देखिए मैंने सारी पिठा को निकाल कर अब सब कर दिया। अब मैं कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितना मुलायम और सॉफ्ट बना हुआ है। ये देखिए और मसालेदार भी है और बहुत टेस्टी बनता है, खाने में स्वादिष्ट और अच्छा बनता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अच्छा